सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका MRM लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। मैं अधिवक्ता एमआर मिश्रा आज एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ आपके समक्ष, और वो है बेल और श्योरिटीज़, बेल और जमानती। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में जेल में बंद होता है, उसे बाहर आने के लिए बेल चाहिए होती है। बेल एक समस्या तब बन जाती है जब बेल की कंडीशंस और बेल में जो जमानती कोर्ट ऑर्डर करता है, ट्रायल कोर्ट, उसे वह व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता, और ये समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। और बीते कई सालों से ये एक चैलेंज रहा है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कई कोर्टों में। क्या बेल अमीर और गरीब के बीच में एक लकीर खींच रही है? क्योंकि आए दिन जो ट्रायल कोर्ट्स के ऑर्डर्स होते हैं, उसे कुछ ऐसा तबका है समाज का जो पालन नहीं कर पाता है मॉनेटरी वैल्यू में, पैसों के मामले में, और इस वजह से वो जेल में ही बंद रहता है। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी एड्रेस करी थी, एक लीगल एड कमेटी का गठन करा था पीएन जस्टिस पीएन भगवती जी के अध्यक्षता में, और उस लीगल एड कमेटी ने भी यही कहा था कि मॉनेटरी बायस रिच और पुअर के बीच में एक लकीर खींच रही हैं जो लोग जेल में बंद हैं। तो इसके ऊपर हम एक सिलसिले से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में हम बात करते हैं जस्टिस पीएन भगवती लीगल एड कमेटी का गठन हुआ था 1970 के आसपास, मगर उससे पहले न्यूयॉर्क में भी एक कमेटी का गठन करा गया था मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट के नाम से, क्योंकि आए दिन क्राइम्स में जो लोग अरेस्ट हो रहे थे वो बेल और बेल कंडीशंस, मॉनेटरी कंडीशंस को फुलफिल ना करने के कारण जेल में ही बंद रह रहे थे और जेल भर रहे आ रहे थे। इसको एड्रेस करने के लिए वहाँ के जुडिशियल सिस्टम ने एक कमेटी का गठन करा, जिस कमेटी का नाम है मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट। और वैसे तो ये इंडिपेंडेंट कमेटी फॉर्म हुई थी वेरा इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हुए, और इसमें कई चीज़ों को एड्रेस करा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं इस कमेटी ने क्या क्या बातें कही हैं। फिर हम बढ़ेंगे एक केस की ओर जो कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चर्चा में रहा। जो केस चर्चा में रहा ही रहा, मगर रातकर इसे कई ट्रायल कोर्ट्स को भेजा भी गया, इवन यूपी जुडिशियल अकेडमी में भी इस केस को भेजा गया अध्ययन करने के लिए, कि आने वाले जो माननीय जजेस हैं वो भी चीज़ को ध्यान में रखें बेल और श्योरिटी को लेकर। उसमें जाएंगे आगे कि उस केस में ऐसा क्या था कि उच्च न्यायालय ने उससे कुछ लर्निंग्स अपकमिंग जजेस को लेने के लिए कहा। फिलहाल हम मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे, तो ये वेरा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर से मिल जाएगा आपको। अब ये 1960 में शुरू करा गया था मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट। इसका काम ये था कि ये पूरे सारे कोर्ट्स में स्टडी करें, सब रिकॉर्ड्स वगैरह देखें, क्या सॉल्यूशन हो सकता है बेल का कि लोग बेल पे बाहर आ सके, और जो कोर्ट्स बहुत ही महंगे कंडीशंस, मॉनेटरी कंडीशंस सेट करती हैं या श्योरिटी सेट करने के ऑर्डर्स देती हैं, उसका क्या एक अल्टरनेटिव हो सकता है। तो इससे पहले क्या था कि द बेल सिस्टम इन यूएस प्रायर टू द मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट वाज प्राइमरीली मॉनेटरी। डिफेंडेंट्स वर ऑफन रिक्वायर्ड टू पे अ सम ऑफ मनी और प्रोवाइड श्योरिटीज टू बी रिलीज फ्रॉम जेल वाइल अवेटिंग बेल, वाइल अवेटिंग ट्रायल, सॉरी। दिस सिस्टम डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड पुअर डिफेंडेंट्स हू वर अनेबल टू अफोर्ड बेल एंड ऑफन रिमेन्ड इन जेल। तो वहाँ पर भी ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही थी कि जेल भरे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जब प्रिजन रिफॉर्म्स की बात आ रही थी, तो प्रिजन रिफॉर्म में सबसे पहली बात तो यही कही कि अगर बेल कंडीशंस भी थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी तो बहुत से प्रिजनर्स जो हैं वो ऐसे ही बाहर आ पाएंगे बिना किसी समस्या के। मैनी डिफेंडेंट्स स्टेड इन जेल फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट ट्रायल इवन दो दे वर प्रज्यूम्ड इनोसेंट। दिस कॉज्ड अ सीरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द सिटी एंड द US जुडिशियल सिस्टम। आगे बढ़ते हुए, अब 1961 में द मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई द वेरा इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी।
हम जानते हैं कि वहाँ पे जो सब में जुडिशियल तंत्र है, जो गवर्नमेंट का तंत्र है, वो इतना बड़ा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे विभाग होते हैं, स्टाफ कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या कोर्ट्स में। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में बहुत ही लिमिटेड स्टाफ होता है, इसलिए बहुत से काम तो वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कराते हैं या सिविल वॉलंटियर्स के थ्रू कराते हैं। ऐसे ये वाला जो अध्ययन करने की बात कही गई, ये वेरा इंस्टीट्यूट को दी गई, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है वहाँ का। द प्रोजेक्ट एम टू रिफॉर्म द प्री ट्रायल डिटेंशन सिस्टम बाय एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव टू कैश पे। द प्रोजेक्ट एम टू रिफॉर्म द प्री ट्रायल डिटेंशन सिस्टम बाय एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव टू कैश बेल, कि कैश बेल का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। इट वॉज ड्रिवन बाय द आइडिया दैट मेनी डिफेंडेंट्स स्पेशली दोज फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स कुड बी सेफली रिलीज विदाउट बेल बेस्ड ऑन सर्टेन पर्सनल एंड सोशल फैक्टर्स। और उन्होंने जो एक अपना एक अध्ययन का मिशन बनाया कि क्या ऐसा हो सकता है कि कैश बेल के अलावा भी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसके आधार पे आप ऑलरेडी जो जेल में बंद हैं उन्हें रिलीज़ कर सकें, ऐसे कोई कंडीशन हो सकती हैं क्या। इसमें सोशल कंडीशंस का बाद में आगे जिक्र करा है। एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आया है वो कहते हैं रिलीज ऑन रिकॉग्निशंस, ROR, रिलीज ऑन रिकॉग्निशंस। ये कॉन्सेप्ट क्या था ये देखते हैं। क्योंकि देखिए मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट में ये तो क्लियर था कि कैश कंडीशंस जो हैं, मॉनेटरी कंडीशंस जो हैं, वो बहुत से लोग अभी भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जेल में हैं। तो इनको तो ये लाना ही था सॉल्यूशन को, इसका ऑल्टरनेटिव, जिससे जो कम से कम लेसर ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं जेल में वो बाहर आ सकें, या जिनका कोई इतना संगीन जुर्म नहीं करा है वो बाहर आ सके। तो ऑल्टरनेटिव उन्होंने निकाले सोशल ऑल्टरनेटिव्स। इसमें रिलीज ऑन रिकॉग्निशन से एक कॉन्सेप्ट आया, बिकेन द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर द ROR, डिफेंडेंट्स वर रिलीज फ्रॉम कस्टडी विदाउट हैविंग टू पे बेल, रिलीज ऑन कस्टडी विदाउट हैविंग टू पे बेल बेस्ड ऑन अ प्रॉमिस दैट दे वुड रिटर्न फॉर देयर कोर्ट डेट्स। देख रहे हैं बाप, कोई श्योरिटी नहीं, कोई कैश बेल नहीं, बेस्ड ऑन द प्रॉमिस दैट दे वुड रिटर्न। आपको सुनने में अजीब लगेगा, सर ऐसा पॉसिबल ही कैसे कि आपने बस किसी को छोड़ दिया और ये कह दिया भैया तुम आ जाना, अब वो आ जाएगा। टू असेस वेदर डिफेंडेंट वॉज एलिजिबल फॉर ROR। अब ROR वाली कंडीशन के लिए कुछ की पॉइंट्स को टिक मार्क करना ज़रूरी था कि ROR किस कैदी पे लागू होगा या किसके किसको हम इसमें एलिजिबल रखेंगे ROR कंडीशन में। पहला है लेंथ ऑफ रेजिडेंस इन द कम्युनिटी, लेंथ ऑफ रेजिडेंस इन द कम्युनिटी, मतलब वो ये देखना चाह रहे हैं कि समाज में वो स्थायी है कि नहीं है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या स्टेटस है एम्प्लॉयमेंट का। फैमिली टाइज एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, की कम्युनिटी में उसका कैसा उठना बैठना, ये असल में आपका वहाँ पे इस चीज़ इन फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए बहुत स्टडी करी थी। हवा में ये नहीं कहा था कि ROR एक सिस्टम लागू करा जाए। अगर जैसे कि हम भी कहते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति फ्लाइट रिस्क नहीं, क्योंकि वो समाज में एक अपना अच्छा सम्मान रखता है या जहाँ पे रहता है उसकी वहाँ पे रिस्पेक्ट है। तो ऐसे में अगर हम ऐसी कंडीशंस एलिजिबिलिटी की रख लें और वो उन्हें फुलफ़िल कर रहा होगा, तो हम उसको जबरदस्ती नहीं है कि कैश बेल या मॉनेटरी बेल में ही रिलीज़ करें। प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड और द सीरियसनेस ऑफ चार्ज, और कोई प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, दूसरी बात है जिस चार्ज में वो अंदर है उससे कितने संगीन अपराध है या फिर नॉर्मल अपराध है। तो कुछ कंडीशन सेट करने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर ए या बी है, उसको ये देखा जाता था कि ROR में इसको हम इन्वॉल्व करें या ना करें। इससे अब देखिए आगे फिर क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका, तो पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में इम्प्लीमेंट होने लगा था। सोशल वर्कर्स एंड स्टाफ फ्रॉम द वेरा इंस्टीट्यूट इंटरव्यू डिफेंडेंट्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन देयर पर्सनल सर्कमस्टांसेस एंड डिटरमाइन वेदर दे हैड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज। अब ये सब काम असल में वहाँ पे सिविक वॉलंटियर्स होते हैं जो कि कोर्ट्स के साथ मिलकर काम करते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, NGOs होते हैं। तो उन लोगों ने धीरे धीरे इंटरव्यूज देना शुरू करे लोगों के इस प्रोजेक्ट को अपना स्टडी करने के लिए, और ये देखने लगे कि क्या हम किसी व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, ऐसे क्या बिहेवियर है उसका, क्या वो ROR कंडीशन में अगर फिट हो रहा है तो हम क्यों ना छोड़ें उसे और देखें कि क्या पॉसिबल है। तो कई इंटरव्यूज लिए उन लोगों ने डिफेंडेंट्स के जो जेल में थे। डिफेंडेंट्स वर डीम्ड टू लो रिस्क वर रिकमेंडेड अंडर द ROR प्रोग्राम। अब जो डिफेंडेंट्स बिल्कुल लो रिस्क माने जाते थे कि ये तो लो रिस्क है, उनको ROR प्रोग्राम में इन्वॉल्व करा गया, ठीक है, और फिर इनको रिलीज भी कर दिया गया, ना कि कैश बेल वाली नॉर्मल जो जुडिशल सिस्टम है उसमें रखा गया। अब रिजल्ट क्या हुआ, इसका कंक्लूजन वगैरह क्या निकला? कंक्लूजन इसका ये निकला कि ये सक्सेस रेट ज़्यादा था। सक्सेस रेट, जिन जिन लोगों को ROR में छोड़ा गया था वो लोग अपने आप से तारीखों पे आने लगे।
बहुत ही शॉकिंग था, जबकि एक बहुत बड़ा तबका इसका विरोध कर रहा था ROR कंडीशन का, मगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। जिन जिन लोग को ROR प्रोफाइलिंग करके छोड़ा गया था, वो लोग अपनी तारीखों पर नॉर्मली आने लग गए थे, कोई फ्लाइट रिस्क नहीं था। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकल पाते थे कि उनके इतने पैसे नहीं होते थे। और इससे क्या हुआ, बरेली ने डिफेंडेंट्स हु पोज लिटिल फ्लाइट रिस्क, द प्रोजेक्ट हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्री ट्रायल डिटेंशन, होल्डिंग समवन इन जेल इज़ फार मोर एक्सपेंसिव देन मॉनिटरिंग देम इन द कम्युनिटी। और ऐसे खर्चा भी देखिए, वहाँ पे एक टाइम पे ना प्रिजन्स का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ता जा रहा था, जितने लोग बढ़ रहे थे। और प्रिजन्स को भी रन करने के लिए वहाँ बजट्स होते हैं, भारत में भी होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, पर वहाँ पे ना बहुत ही टाइट बजट्स होते हैं कोर्ट से लेकर हर चीज़ के। तो इससे प्रिजन्स एक्सपेंडिचर में भी कमी देखने को मिली, कि जितने लोगों को समय समय पर रिलीज़ कर दिया जा रहा है, और वो बेसिकली जेल में सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि वो बाहर आ नहीं पा रहे हैं बेल कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो ऐसे लोगों को ROR प्रोफाइलिंग करके छोड़ा गया, और इसके कई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही मिले। तो मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट इतना कामयाब रहा कि बहुत ही सराहना हुई पूरे US में, US जुडिशल सिस्टम में, वेयर इंस्टीट्यूट द्वारा जो पूरा इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली गई अध्ययन करने की, खुद जुडिशल सिस्टम ने ली। फिर इसके बाद बेल रिफॉर्म एक्ट 1966 आया, बेल रिफॉर्म एक्ट 1966, इट इंस्पायर्ड द प्रोजेक्ट्स फाइंडिंग्स। और जो बेल रिफॉर्म एक्ट 1966 था, वो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आधारित था, इस अध्ययन के ऊपर आधारित था। अब हालांकि कुछ नहीं, कुछ एक्सेप्शन होते ही हैं, तो ROR में भी कुछ एक्सेप्शन ऐसे थे जो कुछ लोगों ने इसका मिसयूज़ करा, हालांकि वो बाद में अरेस्ट हुए थे और उनको कोर्ट कंटेम्प्ट की भी कार्रवाई लगी थी। मगर एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, बट ये अगर हम ROR की बात करें या मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट की बात करें, तो वो लगभग कामयाब रहा था, क्योंकि लोग अपने आप ही कंप्लाई कर रहे थे कोर्ट ऑर्डर्स से और ROR कंडीशंस से। और लंबे समय तक फिर कोर्ट्स भी, सॉरी प्रिजन्स भी जबस्ती नहीं भरने लगे थे, और कोर्ट्स में भी जो एक नेगेटिविटी से माहौल बन गया था कम्युनिटी में, वो भी एक पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग गया था इस रिलैक्स्ड अप्रोच के थ्रू। अब हम आते हैं भारत में। भारत में अब फिर से जब ये बेल की समस्या को लेकर ही PN भगवती लीगल एड कमेटी बनाई गई 1971 में, PN भगवती लीगल एड कमेटी। और इसका भी पर्पस ही रखा गया, बेल कंडीशंस को देखिए आप, क्योंकि भारत में भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रिजन्स भरे जा रहे हैं, जिनका ट्रायल होना चाहिए, जिनको कम से कम मिनिमम ऑफेंस में तो रिलीज़ हो जाना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए नहीं बाहर आ पाते हैं कि उनको तो कई बेल कंडीशंस वगैरह में ही उलझ गए हैं। तो PN भगवती कमेटी फॉर्म करी गई बेल्स को लेकर, और इसमें कई शॉकिंग रिकमेंडेशंस आई कमेटी ने, जो बातें रखी अपनी रिपोर्ट में। जस्टिस PN भगवती हु लेटर बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेडेड दिस कमेटी। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1970s, वॉज प्राइमरली टास्क वाइज एग्जामिनिंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द लीगल एड सिस्टम एंड सजेस्टिंग रिफॉर्म्स टू इंश्योर दैट एक्सेस टू जस्टिस इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। वन ऑफ द मेजर इशूज द कमेटी फोकस ऑन वॉज द बेल सिस्टम इन इंडिया। एट द टाइम द बेल सिस्टम वॉज हेवली क्रिटिसाइज फॉर बींग डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द पुअर। उस समय भी देखें बहुत गलत मैसेज जा रहा था समाज में कि कोर्ट्स को तो भाई साहब जाना ही बहुत आदमी के लिए पाप के बराबर हो गया था। देखिए ऑफेंस तो पहले कराई है, उसे तो कोई दोहराया नहीं है, मगर छोटे छोटे ऑफेंस में भी बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। की इश्यूज़ क्या आइडेंटिफाई करे थे PN भगवती कमेटी रिपोर्ट में, कि पहला है इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, जिन लोगों का पैसा नहीं है, जिन लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो तो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो मॉनेटरी कंडीशंस जो बेल की हैं, श्योरिटीज़ की हैं, उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जेल में ही हैं, और जो कर पा रहे हैं वो बाहर आ जा रहे हैं। मतलब कि तो कोई लॉजिक नहीं बनता है ना, जिसके पास पैसा है और जिसके पास थोड़ी बहुत भी मॉनेटरी स्ट्रेंथ है, वो तो बाहर आ जा रहा है, और सेम ही कंडीशन में, सेम चीज़ों में जो उसमें नहीं है वो अंदर ही रह जा रहा है। तो ये तो टोटल इनजस्टिस है, दिस इज नॉट रैशनैलिटी। प्री ट्रायल डिटेंशन, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ 100 ट्रायल प्रिजनर्स वर लैंग्विशिंग इन जेल्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स, इवन दो दे आर प्रज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। मैनी ऑफ देम कुड नॉट अरेंज बेल बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस दे स्ट्राइव ऑन। इन इफेक्टिवनेस ऑफ बेल द अजम्पशन दैट अ मॉनिटरी बेल सिस्टम एंश्योर्स द अपीयरेंस। अब देखिए ये बहुत बड़ा मिथ बस्ट करा इस कमेटी ने, कि जो ये लोग, जो लोग समझते हैं कि बेल और श्योरिटी कंडीशन इसलिए हैं ताकि जो व्यक्ति है वो कोर्ट में आता रहे, अपीयरेंस अपनी देता रहे और
कंप्लाई करे जो भी प्रोसीजर्स कोर्ट के होंगे। तो इस कमेटी ने इसको भी स्मिथ को बस कर दिया कि ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कई व्यक्ति हैं जो अपीयरेंस या कंप्लायंस कर सकते हैं कोर्ट का बिना कोई मॉनेटरी बेल के। द कमिटी पॉइंटेड आउट दैट फाइनेंशियल श्योरिटीज वर नॉट नेसेसरली द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एंश्योर एन अक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंस ऑन ट्रायल। और कमेटी ने खुद ये क्लियरली कहा था कि फाइनेंशियल श्योरिटी को आप सिर्फ नहीं कह सकते कि हाँ इसी के होने से दूसरा व्यक्ति आपके कोर्ट में समय समय पर आता रहेगा। और रिस्क ऑफ नॉन अपीयरेंस, द कमिटी आर्ग्यूड दैट मॉनेटरी रिस्क वॉज नॉट ओनली फॉर इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंश्योरिंग एन अक्यूज रिटर्न टू कोर्ट। सेवर द फैक्टर्स सच एज कम्युनिटी टाइज, फैमिली रिलेशनशिप्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कुड ऑल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग डिटरेंट अगेंस्ट फ्लीइंग। और अगर हम ये सेटअप कर पाएँ कि व्यक्ति का अच्छा समाज में सम्मान जीवन है और अपनी कम्युनिटी के साथ, तो भी वो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी बेइज्जती करा के भागना नहीं चाहेगा। अगर एक रहने का आवास है, वो स्थायी जीवन जी रहा है अपने क्षेत्र में। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, उससे ही बातें कहीं मेरे को लगता है कि शायद पीएम भगवती कमेटी मैनहट्टन बिल प्रोजेक्ट को ही कहीं ना कहीं शायद देख के या इन्फ्लुएंस होकर फॉर्म करी गई भी, कि ये भी ज़्यादा लंबा टाइम गैप नहीं है। मैनहट्टन बिल प्रोजेक्ट 1960 का है और लगभग 10 साल के गैप में ही आपका पीएम भगवती लीगल एड कमेटी का स्थापना की गई थी। डिपेंडेंस ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन में एक ये बात भी कही गई थी कि आजकल इस जुडिशियल सिस्टम की वजह से एक नया बिजनेस शुरू हो गया है जमानतियों का, श्योरिटीज़ का, डाउट्स का, जो जानते नहीं हैं व्यक्ति को, नहीं जानते हैं, उनका काम ही यही है कि वो जमानती बनते हैं। ये इसका प्रॉपरली कमेटी की रिपोर्ट में मेंशन है, डाउट्स का जिक्र है यहाँ पे, जो कि प्रोफेशनल श्योरिटी बन जाते हैं पैसों के लिए काम करते हैं। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं, ये सब जो तरीके हैं, ये बिल्कुल भी एक जुडिशियल सिस्टम के लिए रैशनल नहीं है, ये बिल्कुल भी एक अच्छे जुडिशियल सिस्टम के लिए नहीं है। डिपेंडेंस ऑन प्रोफेशनल श्योरिटीज़, अब इसमें रिकमेंडेशंस क्या करी गई, जो सॉल्यूशंस क्या दिए गए पूरे सब बातें करने के बाद। पीआर बॉन्ड्स की बात करी, प्रोफेशनल पर्सनल रिकॉग्निशंस बॉन्ड्स, या अगर कोई व्यक्ति अपने आप से अपनी गारंटी ले रहा है कि भैया मैं आऊँगा, तो जमानती देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द कौन से केस में वो बंद है। द कमेटी रिकमेंडेड दैट कोर्ट्स शुड इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन पर्सनल रिकॉग्निशंस बॉन्ड्स रादर देन मॉनेटरी बेल। Under the system, individuals would be released based on their promise to appear for trial without needing to post any financial surety. The accused community ties, family status and other factors should be considered when granting such bond. और इस PR bond या personal recognizance bond को ध्यान में तभी लिया जाए जब उसके ये establish कर पाए court की हाँ ये family ties इसके अच्छे हैं। वही जो आपका Manhattan bail project में भी कहा गया था कि उसके ऊपर कोई ना कोई सामाजिक दायित्व हैं ऐसे कि वो उन्हें तो नहीं छोड़ के जाएगा कहीं पर भी। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर बेल, द कमिटी सेज दैट डेवलपमेंट ऑफ मोर ऑब्जेक्टिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग बेल, फैक्टर्स सच एज अक्यूज्ड सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, लेंथ ऑफ रेजिडेंस, वही सब मैनहट्टन बिल प्रोजेक्ट का मेरे को लग रहा है इसको कंसिडर करा। और इसमें ओवरऑल बहुत सारे पॉइंट्स में बातें करी हैं, पूरी रिपोर्ट डिस्कस कर भी नहीं पाएंगे, कम से कम 4 से 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मगर जो उसमें ओवरऑल ये बातें करी गई थी कि मॉनेटरी बेल और श्योरिटी वाली कंडीशन के वजह से जो बहुत से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसको प्लीज़ हमको कोर्ट को प्रैक्टिस के रूप में कम करना चाहिए। इवन जो कम से कम ऐसे अपराधों में बंद हैं, जो संगीन अपराध नहीं है, जो कि इतने ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं हैं, उसमें तो हम ये कर सकते हैं। और लीगल एड की बात करिए कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी इस चीज़ को संज्ञान में रखना चाहिए कि अपने क्षेत्र विशेष में ऐसा एक सिस्टम मेंटेन रखे, एक ऐसा माहौल रखे कि लोगों को न्याय मिले और न्याय संगत ही उनके ऊपर कोई भी प्रकार की जुडिशियल प्रक्रिया हो। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वकील वगैरह या फिर इस हैवी एक्सपेंसेस को कोर्ट के, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको एड्रेस करे। महिलाओं को लेकर, चिल्ड्रंस को लेकर, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को लेकर भी इसमें बात करी गई थी कई। इम्पैक्ट क्या हुआ था, इम्पैक्ट ये हुआ था कि लीगल एड मूवमेंट सा एक बना, कई कोर्ट्स ने संज्ञान में लेते हुए तुरंत इसको जितना पॉसिबल हो सका इम्प्लीमेंट करा। इसे देखिए बहुत मल्टीपल रिफॉर्म्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, समाज में रिफॉर्म्स आएंगे, प्रिजन रिफॉर्म्स आएंगे,
जुडिशल रिफॉर्म है बहुत बड़ा ये, और दूसरी बात है कम्युनिटी को और सोसाइटी को ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि जुडिशल सिस्टम उनको उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए है इस न्याय प्रक्रिया में। अब इस कमेटी के बाद से कई मेजर जजमेंट्स, लैंडमार्क केसेस भी हुए हैं। हुसैन आरा खातून 1980 में हुआ, और मोती राम वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार था, और मोती राम वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश था 1978 में। तो ये दो केस भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए कमेटी की रिकमेंडेशन से बिल को लेकर। हुसैन आरा खातून में क्या कहा गया था, इन दिस केस द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ऑफ इंडिया वर ब्रॉट इन टू लाइट, मैनी ऑफ हुम वर इन जेल बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड बेल। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द बेल सिस्टम नीडेड टू रिफॉर्म एंड द फाइनेंशियल एनेबिलिटी टू अवेल फ्रीडम शुड नॉट बी द ओनली कंस्ट्रेंट फॉर अ पर्सन टू बी फ्री। और फिर मोतियाम वाले केस में भी आपका पुअर जो लोग हैं जिन्हें बेल लेने में समस्या हो रही है, या फिर जो लोग अपना किसी भी कारण से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको एड्रेस करा गया। ओवरऑल ये सब बातें जो करी गई, ये आपकी बेल रिफॉर्म्स को लेके, श्योरिटी को लेकर रिफॉर्म्स को लेके। अब हाल ही में एक अलाहाबाद हाईकोर्ट का केस भी था जिसमें फिर से ये मुद्दा उठा, और 9 तारीख को तो कोई अखबारों में आर्टिकल्स भी आए थे जिसमें ये कहा गया था कि कोर्ट्स को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि कोई अगर पुअर है या अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उस व्यक्ति को, कोर्ट्स को विशेषकर, कुछ लैक्शन देना चाहिए। ऐसे ही केस है अरविंद सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, ये केस 2023 का है। इस केस में यही हुआ, अरविंद सिंह जो थे आपके, ये आपके एक कंपनी में जो काम कर रहे थे उस पर फ्रॉड के एलिगेशन लगे थे, तो साथ में इन पर भी लगा दिए गए, और लगभग 6 केस इन पर फाइल हुए। ये मैं एक बार केस फाइल को एग्जैक्टली पढ़ के आपको बताता हूँ। अरविंद सिंह एक कंपनी के कर्मचारी थे जिस पर धोखाधड़ी का आरोप था, और समस्या ये हो रही थी कि कंपनी द्वारा किए गए धोखाधड़ी में 6 मामलों में अरविंद सिंह पर भी आरोप लगाए गए। हालांकि पूरी प्रक्रिया में गुजरने के बाद उनको कोर्ट ने कहीं ना कहीं रिलीफ दी थी, मगर एक समस्या अरविंद सिंह पे ये आ गई थी कि जमानत मिलने के बावजूद भी वो जेल में बंद थे, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट की बेल कंडीशंस और मॉनेटरी कंडीशंस थी और श्योरिटी जमानती कंडीशंस थी वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ये कहा कि भैया मैं इतने पैसे भी जुटा नहीं पा रहा हूँ कि मैं बाहर आ पाऊँ, तो छोड़ो अंदर ही रहते हैं। हालांकि उन्होंने लड़ाई लड़ी इस बात की कि अगर किसी की क्या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या उसे बाहर आने का अधिकार नहीं है। वापस से कहानी घूम फिर के सुई वहीं पर आ गई जो पीएम भगवती कमेटी के समय में निकल के आई थी कि पुअर और रिच के बीच में डिवाइड एक लकीर खिंच रही है, इसे हम बेल कह सकते हैं। अब इस मामले में जो मुख्य कानूनी मुद्दा ये था कि अदालत अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग जमानतदार मांगे, इन पर लगभग 6 केस थे तो 6 के लिए 6 मांग लिए थे। तो अरविंद सिंह की आर्थिक स्थिति थी ही नहीं कि वो इन सारे कंडीशन फुलफिल कर पाए। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और। अब इनके जो उनके वकील थे अरविंद सिंह साहब के, उन्होंने ये तर्क दिया था कि ये तो भैया आर्टिकल 21 जो हमको संविधान ने दिया हुआ है इसके विरुद्ध है, और ये बिल्कुल भी लिबर्टी के इन्फ्रिंज कर रहा है। अब देखिए जमानत का उद्देश्य क्या होता है, जमानत न्यायालय जो होते हैं आपके, ये जमानत देना न्याय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित होने की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य आरोपी को अनावश्यक आर्थिक बोझ डालकर परेशान करना नहीं होना चाहिए, है ना। जो मैनहट्टन बिल प्रोजेक्ट में भी एड्रेस करा गया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए लंबे समय तक अंदर है कि वो बेल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो बेल तो सिर्फ और सिर्फ एक मॉनिटरी बर्डन है। सामाजिक आर्थिक कारक, अदालत ने जोर देकर कहा कि जमानत की शर्त अभियुक्त की आर्थिक स्थिति के अनुसार, मैं जो नोट्स हमने लिखे हैं उसके आधार पर पढ़ा रहा हूँ, होनी चाहिए। कई गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग जमानतदार जुटाने में असमर्थ होते हैं, और यदि अदालतें यथार्थवादी जमानत की मांग नहीं करती तो यह गरीबों को जमानत से वंचित कर देता है। अगर प्रैक्टिकल या थोड़ी सी उनकी कंडीशन देखते हुए वो जमानत कंडीशन नहीं होंगी तो फिर तो इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके से देखा जाए तो। और इसी केस में एड्रेस करा गया था मोतीराम और हुसैन आरा खातून वाले केस को भी जिक्र करा गया था। और जमानत प्रणाली के लिए समस्या तो ये है ही, ये आज भी हम देख रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स में आए दिन डेली का है। बहुत से केसेस में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको ये भुगतना पड़ता है। आगे देखते हैं,
यहाँ पे हमारा आर्टिकल 21 और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जिक्र होता है, और आर्टिकल 14 हमारा इक्वालिटी, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत है, जो कि दोनों ही संवैधानिक अधिकार हर व्यक्ति के हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, है ना। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को फिर इसमें निर्देश ये दिया, अलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि सिंह को सभी 6 मामलों के लिए एक ही जमानतदार देने की अनुमति दी जाए, जिससे वह जमानत पर रिहा हो सके। 6 के 6 तो वो नहीं कर पा रहा, तो 6 पे सिर्फ एक जमानतदार थे अपना। अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट को इसकी आर्थिक स्थिति के जांच करनी चाहिए और जमानत की राशि उसी के अनुसार निर्धारित करनी चाहिए, तभी हम जमानत की राशि तय करें। अदालत ने यह दोहराया है कि जमानत शर्तें इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पुरानी हुसैन खातून में भी ये जिक्र हुआ था कि इतनी कंडीशन मत आप कठोर कर दीजिए कि वो व्यक्ति सोच भी ना पाए बाहर आने के लिए। तो इसमें यही था, और सुझाव के ये भी दिए गए थे कि आप ये देखिए ना कि अगर किसी कम्युनिटाइज ठीक है, स्थायी आवास है, उसके पास घर है, उसका घर परिवार है, तो व्यक्ति वैसी फ्लाइट रिस्क नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकता, है ना, उसे अपने घर परिवार के पास आना ही पड़ेगा। तो ये सब एड्रेस कर सकती है कोर्ट, डिपेंडिंग ऑन द केस के किस किस इंटेंसिटी का केस हो। इसमें फिर ये घूम फिर की बात आई थी कि फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह को देखिए, और अल्टीमेटली कंक्लूडेशन में ये डायरेक्टेड टू सेंड अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द डायरेक्टर जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी फॉर कंप्लायंस। मतलब एक जो नए जुडिशियल अफसर आ रहे हैं, अपनी न्यायिक सेवाएं शुरू करने वाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसका एक नॉलेज हो कि इस चीज़ को ध्यान रखें। बेल हर किसी का अधिकार है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा, देखिए बीते दिनों में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन केसेस में के कविता और मनी सिसोदिया, कई बड़े पॉलिटिकल नाम, कई बड़े बिजनेसमैन जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में, मेरठ के कई कारोबारी जो जेल में थे, उन सब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। वहाँ पे बेल कंडीशंस पर एड्रेस करा गया है। अब इन लोगों को कोई पैसे कमी तो है नहीं, के कविता और बड़े बड़े नाम जो हैं अरविंद केजरीवाल, इन पर तो कोई ऐसी कुछ आर्थिक स्थिति खराब है नहीं। यहाँ पे जो बेल कंडीशंस को एड्रेस करा सुप्रीम कोर्ट ने कि बेल अधिकार है हर किसी का। तो आखिर इसमें देखते रखते हैं, हमने जिन जजमेंट्स को आज पढ़ा, जिन कमिटीज़ का अध्ययन करा, उससे हमें यही पता लगा कि समाज को हर किसी को लेकर चलना है, और हर किसी को अधिकार है कि वो एक फ्री लाइफ जी सके, चाहे कुछ भी अपराध करा हो, सज़ा मिलनी चाहिए उसको। मगर जब तक सज़ा नहीं मिल रही है, उस बीच के सफ़र में कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन उसे मिलना चाहिए, बाकी जो आरोप तय होंगे वो तो तय होंगे ही। तो आज इतने रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कल फिर आइएगा, शेयर करिएगा साथियों में, कोई कमी हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज इतने रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।